यशोदा। मैया मैया, आप रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। यशोदा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? आज कन्हैया ने मुझे फिर रुला दिया जी। क्या? परंतु मैया, आज तो मैंने किसी का माखन भी नहीं चुराया है। माखन की बात कहाँ कर रही हूँ रे? आज तुमने मेरे साथ साथ सारे गोकुल की स्त्रियों का गौरव बढ़ाया है। जो कुछ भी बाहर हुआ ये किसकी कल्पना थी? हमारे कान्हा की कल्पना थी यशोदा। परंतु मैया, मैंने उस समय कुछ भी अनुचित नहीं किया। नहीं रे लल्ला, अभी तो आज तेरे कारण सभी नारियों का सिर गर्व से ऊंचा उठ गया। आज हर एक नारी सोचती होगी कि कृष्ण उनका पुत्र होता वो सबसे सौभाग्यशाली होती है ना जी? हाँ मैया, हर पुरुष को अपने घर की स्त्री का कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि घर की स्त्रियां जो त्याग करती हैं, जो समर्पित जीवन जीती हैं, उससे ही तो पुरुषों का सम्मान होता है। तुम्हें ये सब किसने सिखाया कन्हैया? मैया, कहते हैं माता पिता ही मनुष्य के पहले गुरु होते हैं। परंतु यहाँ तो सब उल्टा हो गया है कान्हा। हम सबके गुरु तो तुम हो। महाराज, आपने अधिष्ठा सुर को फिर से गोकुल भेज दिया? मैंने नहीं केशनी, हमने तो केवल उस पर क्रोधित होने का नाटक किया, उसे मित्रता की दुहाई दी, उसकी भावनाओं को अपने वश में किया और उस मूर्ख ने हमें यह वचन दे दिया कि ये अरिष्ठासुर का वचन है मथुरा नरेश आपको, अब मैं कृष्ण की मृत्यु के बाद ही आपसे मिलूंगा। अब अरिष्ठासुर फिर से गोकुल जाएगा और गोकुल जाकर ये तुम मुझे इस प्रकार घूर कर क्यों देख रही हो? महाराज, मुझे दुख हो रहा है कि आप अपना एक मित्र और खोने जा रहे हैं, अरिष्ठासुर। महाराज, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कृष्ण परमात्मा है, अनंत है, अविनाशी है, उसकी पूजा की जानी चाहिए, तिरस्कार और शत्रुता नहीं। किंतु महाराज, आप ये बात नहीं समझते। अरिष्ठासुर आएगा महाराज, अवश्य आएगा, किंतु आपसे मिलने नहीं।
वरन वो यमलोक जाएगा अपने उन मित्रों से मिलने जिन्हें आपने कृष्ण के विनाश के लिए भेजा था। कृष्ण जाओ, चले जाओ यहां से। कृष्णा, मथुरा नरेश का विश्वास जीतने के लिए मुझे तुम्हें मृत्यु देनी होगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ कृष्णा। ये तो बड़े आवेश में आ गया कन्हैया। मामा जी ने उसके अहंकार पर पैर जो रख दिया है, उसका आवेश तो बढ़ना ही था। अब वो मुझे डंक मारने के लिए गोकुल आ रहा है। मेरे साथ वो चाहे कैसा भी व्यवहार करे, दुर्व्यवहार करे, लेकिन गोकुल के गोप और गोपियों के साथ मैं उससे कोई दुर्व्यवहार नहीं करने दूंगा। इसके पहले तुमने मुझे भ्रमित किया था, पर अब भ्रमित नहीं कर सकोगे। मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला हूँ। मैं तुम्हारी मृत्यु का समाचार लेकर ही लौटूंगा। अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता, कोई नहीं कह सकता कि मैं राक्षस हूं। सुंदर बेटे, घर चले। कृष्णा, इन दोनों को मैंने चलाकर मार डाला था, फिर ये दोनों जीवित कैसे? मथुरा नरेश ठीक ही कहते थे, उस कृष्ण ने जरूर कुछ माया किया, उस कृष्ण ने मुझे भ्रमित किया था। ए बुढ़िया, ये मेरी दादी माँ है। बुढ़िया क्यों बोलते हो? तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर। तो तुम्हारी दादी माँ क्यों कहती है कि कृष्ण उसका पोता है? अरे पगले, कृष्ण मुझे दादी माँ कहता है तो वो मेरा पोता हुआ ना। बुढ़िया, तुम्हारे कारण मथुरा नरेश ने इतना असभ्य हो तुम। अपनी माँ को और दादी माँ को बुढ़िया कहते हो? बुढ़िया मुझे कृष्ण के सामने तुम्हें मेरा अपमान किया होता तो मेरा कृष्ण तुम्हें कड़ा दंड देता। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण, मुझे कृष्ण ही चाहिए। इसका अर्थ है तुम जीवन के मार्ग से भटक रहे हो। कोई बात नहीं बेटे, भटकने के बाद तुम्हें कृष्ण का स्मरण हो गया है, ये आप में आपके बड़ी बात है। कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर देगा। मैं तो कृष्ण का उद्धार करने आया हूँ बुढ़िया। अरे ओ हरिया। जी माँ जी। इसे नंदराय जी के पास ले चलो और कृष्ण को मिलवा जी। मथुरा नरेश, आपकी मृत्यु जब मेरे सामने आएगी तो मैं उसे तुरंत मृत्यु दे दूंगा। चलिए महानुभाव जी। गोकुल में यदि उसने आतंक मचाया तो भैया आपके होते हुए कोई गोकुल में आतंक नहीं मचा सकता। अच्छा, तुम मुझे माखन लगा रहे हो? पहले मैं माखन खा लूं, क्योंकि इतना है ही नहीं कि सबको माखन लगाऊं। रह जाएगा तो मैं अरिष्टासुर को माखन लगाऊंगा। अब उसे गोकुल के बाहर
हम कैसे ले जाएंगे? हम क्यों ले जाएंगे? वो स्वयं हमारे पीछे पीछे चला आएगा। चलो हम चलते हैं। प्रणाम नंदराय जी, ये महानुभाव आपसे मिलने आए हैं। कहिए, क्या बात है? मैं मथुरा से आया हूँ। गोकुल से गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोगों से भी मिलता जाऊं। कृष्ण कहाँ है? क्यों, कृष्ण के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कृष्ण पे अनिष्ट की छाया है। क्या? मैं कृष्ण को अनिष्ट की छाया से सावधान करने आया हूँ। परंतु आप किस छाया की बात कर रहे हैं? मथुरा नरेश कंस ने कृष्ण के वध के लिए गोकुल में एक राक्षस भेजा जो बहुत ही भयानक है। वो राक्षस किसी भी पल गोकुल में प्रवेश करेगा और उसके प्रवेश करते ही कृष्ण का वध हो जाएगा। इसीलिए मैं पूछ रहा था, कृष्ण कहाँ है? उसे सुरक्षा की आवश्यकता है। समय रहते ही आप उसे सुरक्षा प्रदान कीजिए। यशोदा, कन्हैया, कन्हैया कहाँ है? यशोदा, कान्हा, कृष्ण। अब कृष्ण सामने आएगा। कान्हा, कान्हा, चले कान्हा को ढूंढो। नीचे जाओ, देखो, कान्हा। नंदरानी जी, कान्हा तो घर पे नहीं है। कन्हैया, कान्हा। अब पता चल जाएगा कि कृष्ण कहाँ है। कान्हा तो अपने ग्वाल वाल के साथ जंगल की ओर गया है। क्या, जंगल की ओर गया? हाँ नंदराय जी, मैंने उसे जंगल की ओर जाते हुए देखा है। अब कृष्ण मेरी मुट्ठी में होगा। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। जो व्यक्ति मथुरा से आया था वो भी यही था। कहां चला गया वो? छल, वो मानव नहीं, राक्षस था। क्या? उसने हमारे साथ छल किया है। वो मेरे कन्हैया को देखने आया था। कान्हा, कृष्णा, वो मेरे कान्हा को बंद कर देगा। नहीं यशोदा, मेरे कान्हा को बचाइए ना। कृष्णा, कान्हा को बचाइए। कृष्णा, कान्हा, कृष्ण को देखा थी? नहीं, हमने नहीं देखा, हमारे पीछे। जमना, 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 क्या तुमने कन्हैया को देखा? नहीं नंदरानी जी, कृष्णा का कहीं कुछ आता पता नहीं है। क्या, हे भगवान, मेरा कान्हा। अब धीरज रखिए, हम सब मिलकर उस राक्षस पर आक्रमण करेंगे। जंगल तो यही है। जंगल आ गया तो कृष्ण भी यही होगा। हम अपने कृष्ण को वन में ढूंढेंगे। चलो जल्दी चलो। शांत हो जाओ यशोदा, हमारा कान्हा मिल जाएगा। और मेरे साथ आओ। मुझे गोकुल में मनुष्य समझा गया।
मैं उसकी कृतज्ञ हूँ। मुझे उसकी रक्षा करनी होगी, मुझे उसे सावधान करना होगा। रुक जाओ नारी, डरो नहीं, मैं राक्षस थोड़ी ना हूँ। झूठ बोल रहा है, निश्चित ही बुरा उद्देश्य लेकर आया है ये। मुझे कृष्ण से मिलना है। कहाँ है वो? जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये कृष्ण का बुरा करना चाहता है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कृष्ण कृष्ण यही है। कृष्ण यहाँ है? कहाँ है वो? कृष्ण कृष्ण गोकुल चलना है। माँ जाना? हाँ, यही कृष्ण है। ये कृष्ण है? हंस क्यों रहा हो? यही कृष्ण है, मेरा बेटा। ये कृष्ण है? आश्चर्य, ये बच्चा तो अति सामान्य है, ना ही तेजस्वी है और ना ही प्रभावशाली। कहीं ये मुझे भ्रमित तो नहीं कर रहा? थोड़ा धैर्य रख कृष्ण। परंतु माँ, मेरा नाम तो बचपना ना करो कृष्ण। तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम्हें अपना उत्तरदायित्व तो समझना होगा। जीवन का मतलब सिर्फ खेल कूद ही नहीं है, जीवन का मतलब है संघर्ष, त्याग और समर्पण। माँ, अचानक तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो यात्री आया है ना, इसलिए। एक बात कहूँ, वो यात्री मुझे राक्षस लग रहा है। वो राक्षस ही है बच्चों। ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया? मैं सच कह रही हूँ बच्चों। माँ, आप कैसे बच्चों कह रही हैं? इसके पहले मुझे कृष्ण क्यों कहा? क्योंकि वो राक्षस कृष्ण को ढूंढ रहा है। कृष्ण को? ये कृष्ण का पूरा करने के लिए आया है। मेरा बच्चों कितना समझदार है ना? जिस कृष्ण के कारण हमें समाज में मान सम्मान और आदर मिला, हम उस कृष्ण का कैसे बुरा होने देंगे? बच्चू, उसे भ्रमित करने के लिए ही मैंने तुम्हें कृष्ण पुकारा, और वो तुम्हें कृष्ण समझ रहा है। तो फिर वो मुझे मार देगा ना माँ? हमें कृष्ण की रक्षा करनी है बच्चू। माँ, अब मैं अपना उत्तरदायित्व समझ गया हूँ माँ। अरे तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? माँ बेटे के बीच क्या बात हो रही है? भाग जाओ कृष्ण, एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं रुको। ये राक्षस तुम्हें मारने आया है। भाग जाओ यहाँ से कृष्ण, कृष्ण भाग यहाँ से। ये तुमने क्या किया नारी? तू जैसे दुष्ट से अपने पुत्र कृष्ण के प्राणों की रक्षा की है। यदि ये कृष्ण है तो मेरे हाथों से नहीं बच सकता, तुम्हारे सामने ही मैं उसको मृत्यु दूंगा। कन्हैया, बच्चों के प्राण अब संकट में हैं।
उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब कृष्ण को कोई नहीं बचा सकता। अब कृष्ण की रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।